दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी सेम का भरता। ये सेम आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा बाजार में, किसी भी स्टोर में भाजी के जाएंगे आपको ये मिल जाएगा। हरा हरा होता है, साइड साइड से निकाल लीजिए इसे। उसके बाद इस सेम को आलू के साथ उबाल लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आलू के साथ इसे उबाल लिया है। आप बगैर आलू का भी बना सकते हैं। और इसके मसाले के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हमें लेना है हरी धनिया। जितना ज़्यादा हरी धनिया होगा उतना अच्छा स्वाद आएगा। मिर्ची की टुकड़ी, मतलब आप हरी मिर्च जितना तीखा खाते हो, लहसुन की कलियां और नमक, इन चारों को एक साथ पीस लीजिए। ऐसे इस तरह से मसाला रेडी कर लीजिए। और सबसे इसकी जान है राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले हमें लेना है बॉल में जो हमने उबाला था सेम का भरता, उसके बाद उसमें डालना है मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल। उसके बाद डालिए ये हरी मसाले जो हमने पीस के लिए थे। अगर ज़्यादा तीखा है तो हाफ डालिए बस, और इसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। और एक इसकी जान है दोस्तों, अगर आपके पास राई है, सूखी राई, तो उसे पीस कर आप डालिए, उससे भी स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। इस वक्त मेरे पास वो राई पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप ज़रूर डाल के देखिए राई पाउडर। तो इसे अच्छे से मैश करके इसकी प्लेटिंग कर लीजिए, लिट्टी के साथ या फिर रोटी के साथ या कचौरी के साथ। तो देखिए, हमने मैश करने के बाद इसकी प्लेटिंग कर ली है। इसे आप सर्व कर सकते हैं। ये ज़्यादातर लिट्टी के साथ बहुत ही स्वाद देता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये किसी भी टाइप के रोटी के साथ। तो उसके बाद जो आपको सेकंड वाला भरता है, उसके लिए आपको लेना है पैन। पैन में आपको डालना है राई का तेल, सिर्फ 2 चम्मच। राई का तेल डालने के बाद आपको डालना है ये कोहड़ौरी, जिसे उड़द दाल वड़ी कहते हैं, मिठौरी कहते हैं। इसकी वीडियो मैंने सेपरेटली बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो डालने के बाद हमने जो मैश किया था उसे हमें इसमें डालना है तवे पर। उसके बाद इसे अच्छी तरह से चलाना है जब तक कि नीचे से ये लाल ना हो जाए। जब ये अच्छे से लाल हो जाएगा, हल्का क्रिस्पी हो जाएगा, समझ लीजिए आपका ये वाला भरता भी रेडी है, जिसे चोखा भी कहते हैं। उसके बाद इसकी गार्निशिंग कर लीजिए हरी धनिया की पत्तियों से। जब हरी धनिया की पत्ती डालें तो गैस का जो आँच है इसे बंद कर दीजिए। उसके बाद हमें इसे इसी तरह से छोड़ देना है। इसमें जो स्वाद है दोस्तों, वो आपको बहुत ही ज़्यादा यमी स्वाद देगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।